everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So this reading is about your abroad settlement, is about abroad travel. Are you destined to move to abroad? Are you destined to settle down in faraway distant foreign places? And what is the reason behind ki aap apna homeland chhodkar kahin aur शिफ्ट होना चाहते हो, क्या रीज़न है वो भी हम टैरो से देखेंगे. और एवरीथिंग लाइक वट एवर स्पिरिट वॉन्ट्स अस टू नो, वट एवर द गाइडेंस इज कमिंग, आई लेट यू नो. आई एम जस्ट अ मीडिएटर हेयर, सो आई एल मीडिएट, आई एल टेल यू वट द स्पिरिट वॉन्ट्स फॉर यू एंड या अबाउट योर अब्रॉड ट्रैवल, वेन, वेयर, हाउ, एवरीथिंग द स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो. ऑल राइट, सो लेट जस्ट गेट इन टू द रीडिंग. सो वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह आपके पास यहाँ पर तीन पायल्स है और इस बार आपको अपने पायल्स इन सिंबल से पिक करनी है. सो जो पायल नंबर वन है वो है ये इस की की. सो इफ यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस की, चूज पायल नंबर वन. देन पायल नंबर टू आपके लिए है ये प्लेन, क्यूट स्मॉल लिटिल प्लेन. एंड पायल नंबर थ्री आपके लिए है ये सिंबल्स, ये डायरेक्शंस. सो इफ यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस सिंबल देन चूज पायल नंबर थ्री. नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं और आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर क्लिक करो और अपनी रीडिंग देखो, सुनो. और 30 सेकंड्स आपने लेने हैं और इन 30 सेकंड्स में देखना है कि कौन सा जो सिंबल है आपको अपनी तरफ बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. यू डोंट हैव टू चूज योर पाइल, द पाइल इज गोना पिक यू, इट इज गोना चूज यू. सो जो भी स्टोन आप स्टोन नहीं, जो भी सिंबल आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, यू हैव टू चूज दैट सिंबल. ऑल राइट, मैं अभी इसका 30 सेकेंड्स का स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ और आप देखो कौन सा जो है सिंबल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. एंड येस, आई विल मीट यू इन योर रीडिंग. Hello, pile number one. So this is your reading. You chose the, you know, the key here. And I really feel that if you move to faraway, distant, foreign places, you feel that this is your key to travel or to just, you know, come out of this cage. Okay, तो ये जो charms हैं, ये मुझे एक दो दिन पहले रिसीव हुए हैं और उसके अंदर ये भी एक ये पिंजरा था और एक ये चाबी थी. जनकी, सो आई वॉन्टेड टू पुट दीज टुगेदर बट देन इट वुड हैव बीन टू ऑब्वियस. बट या मतलब अगर एक की है तो ऑफकोर्स एक ऐसे जो है एक पिंजरा तो होगा ही होगा. सो आई रियली फील दैट यू फील दैट, और इट्स एन इंटरनल थिंग. ऑल राइट, यू इमोशनली फील के इफ आई गो टू, इफ आई मूव टू फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेस, देन इट्स अ की to explore, it's a key where it helps me to be free. So somehow for you, if you move to far away distant foreign places, it's like freedom for you. So you somehow feel this way about moving to far away distant foreign places. But first let's see, will you be able to go to abroad, to far away distant foreign places? Are you destined for it? Are you destined to move abroad? Okay, I see two of wands and I see the chariot. Yes, you are. And I feel that you're planning this for quite a long time now. Literally, it's been a long that you're planning this. And then I see the seven of pentacles and you're still thinking, should I move? Should I not move? It's like on your list, you want to move away, you want to move to far away, distant foreign places, but you're like, hey, I don't know. And the inner, okay. एंड ऑफ द डेक, फूल यहाँ पर आया हुआ है. अंदर ही अंदर अगेन वही चाहते हो कि आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट टू जस्ट मूव अवे एंड हैव अ रीस्टार्ट इन माई लाइफ. द सेम थिंग, वही की वाली चीज ही है. फूल कार्ड सबसे पहला कार्ड होता है टैरो में जो कि शो करता है दैट हे
it's a new beginning, it's a fresh start. I am like a vagabond who's gonna try different things. I don't want restrictions, or I want to be free, and I also want to move to a developed country. I also want to move where there are tall buildings. So somehow you would like to live in places where there are tall buildings. और ये मतलब वर्ल्ड में कितनी सारी जगह जो है वहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स है, बट मेनली अगर हम देखें तो जब भी हम सोचते हैं टॉल बिल्डिंग्स के बारे में, मेरे मन में तो न्यूयॉर्क आता है, द टाइम्स स्क्वायर. सो यहाँ पर जो है, आई रियली फील दैट सम ऑफ यू वुड रियली रियली वुड वॉन्ट टू गो टू न्यूयॉर्क और टू अगेन जस्ट गो टू प्लेसेस वेयर दे आर टॉल बिल्डिंग्स. एंड आई फील दैट इंटरनली यू आर लाइक, हे आई वॉन्ट फ्रीडम अगेन, दैट की थिंग. एंड द फूल ऑल्सो शोज दैट यू वॉन्ट फ्रीडम इन साइड इंटरनली. यू वॉन्ट अ मूव टू फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेस बिकॉज यू फील लाइक अ फ्री बर्ड वैन यू आर अवे फ्रॉम योर होम. सो या दैट इज समथिंग विच आई सी. देन ऑफकोर्स यहाँ पर जो है टू वॉन्ट्स अगेन, यू वर प्लानिंग टू काइंड ऑफ मूव टू फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड ओवरसीज ट्रैवल करना चाहते हो तो दिख रहा है, और जाओगे भी अगेन बिकॉज यहाँ पर चैरिट कार्ड आ चुके हैं. चैरिट इज लाइक, नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस, नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन हियर, एंड यू आर लाइक, हे मैं अपने व्हीकल पर बैठ चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा ही जाऊँगा. अगेन यहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स नजर आ रही है. सो yeah, you're moving to a very developed country, developed area, and now you have to take a decision, and most probably the decision is going to end up you going to foreign distant, and it's going to make you go to far away distant foreign places. And I feel that of course you're trying for you're planning for this for quite a long time, and I feel that the lockdowns, the coronavirus really stopped you from moving abroad, stopped you from going ahead, and maybe you were planning that in 2019 or even 20, जब मतलब कोरोना वायरस जब हिट नहीं हुआ था उससे पहले से ही आप कहीं ना कहीं प्लान कर रहे थे, कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ें थी, बट ड्यू टू कोविड एंड कोविड रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन, यू वर जस्ट नॉट एबल टू गो. इट वॉज लाइक दैट. एंड अभी भी जो है आप कहीं बुकिंग कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, वही चीज़ नज़र आ रही है. एंड यू आर मूविंग देयर ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर करियर ऑफकोर्स, एजुकेशन भी हो सकता है, फिर स्पेसिफिकली आई वॉन्ट टू जॉइन दैट कंपनी देयर, और दिस कंपनी आई एम वर्किंग फॉर राइट नाउ इज गोइंग टू मेक मी गो टू डिस्टेंट फॉरन प्लेसेस, सो आई एम गोइंग टू से यस. बट या यू वॉन्ट टू सेट योर करियर देयर, एंड या यू आर वेरी, यू आर गोइंग टू फील वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क वेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम लैंड. समहाउ इन योर होम लैंड यू फील लाइक दैट आई एम रिस्ट्रिक्टेड, and I cannot do this, I cannot do that, but when I'm in far away distant foreign places, I feel more passionate about my work. So this is something which I'm getting. And yeah, you have to take a choice, you have to make a decision for sure in the near future. And aap jo ho, I feel abhi se jo hai ye months ki baat ho rahi hai yahan par ki I'm getting this intuition that इट कैन बी 2023 के स्टार्ट होने से पहले ही जो है कहीं ना कहीं फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाना, या मतलब पूरा प्लान हो चुका है बस निकलने ही वाले. सो मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट्स जस्ट नॉट 2023, बिकॉज ये रीडिंग जब मैं शूट कर रही थी इट्स 2022, बट अगेन इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग इन फ्यूचर, सो अभी से जो है आई शुड से विद इन वन ईयर यहाँ पर जो है ट्रैवल का प्लान काफ़ी स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है. एंड अगेन इफ हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, तो अभी से 2 months बाद काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में जहाँ पर सच में फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेस जाने के लिए एक सीरियसनेस बनेगी, और डिसीजंस लोगे और स्टेप्स लोगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स लोगे. सो अभी से जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, देख रहे हो, अभी से 2 months बाद ये चीज़, ये सीरियसनेस आती हुई नजर आ रही है, एक प्रैक्टिकल डिसीजन कोई लेते हुए नजर आ रहे हो. और विद इन एन ईयर यहाँ पर आप फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेस जाते हुए नजर आ रहे हो विद द 7 of Pentacles. अगेन द थिंग इज दैट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस,
कहीं ना कहीं अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल्स यही शो करता है कि आप काफी टाइम से मनी भी शायद सेव कर रहे होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स मनी वो सेव कर रहे होंगे आपको फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस भेजने के लिए, बट ये मन में काफी टाइम से ही है, आई शुड से सालों से ये चीज है मन में. इट कैन बी लाइक दैट बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स बड़ा एक स्लो कार्ड है. सेवन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली जो पिक्चर होती है वो इस तरह की होती है कि जहां पर एक पर्सन ने सीड जो है सो करा है और उसके ऊपर वो पर्सन पानी डाल रहा है, सनलाइट आ रही है, वो धीरे 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 सीड ग्रो कर रहा है, अपनी रूट्स बना रहा है, बट अबव द सर्फेस उतना ज्यादा चीज दिख नहीं रही है अभी, मतलब थोड़े से ही पत्ते आए हैं, ज्यादा वो चीज उगी नहीं है ऐसा दिख रहा है, बट इंटरनली बीनीथ द सर्फेस काफी ज्यादा रूट्स स्ट्रांग हो रही है. उस सिचुएशन को सेवन ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है, मीनिंग तैयारी तो काफी टाइम से थी, तैयारी तो प्लानिंग तो बहुत बहुत टाइम से थी, बहुत सालों से थी, बट उसका रिजल्ट जल्दी से नहीं आ रहा था. बट अगेन पेंटिकल्स बड़ा एक स्लो कार्ड होता है, अर्थी साइंस को शो करता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न साइन को शो करता है, तो बिकॉज ऑफ योर वर्क ओनली यू आर गोना गो देयर, बिकॉज ऑफ योर करियर ओनली यू आर गोना मूव देयर, और विद इन एन ईयर यहाँ पर आप फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाते हुए नजर आ रहे हो. और टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन शो कर रहा है कि अभी से दो महीने बाद यू गाइज आर गोना बी वेरी सीरियस, और हे आई वॉन्ट टू गो एंड यू आर गोना टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन. सो ये मेन थीम यहाँ पर नजर आ रहा है अभी आपकी लाइफ का, आपकी करंट एनर्जीज की वजह से. यहाँ पर जो है और इंफॉर्मेशन हमें मिले इस ओरेकल डेक से, स्पिरिट क्या मैसेज देना चाहती है पाइल नंबर वन को अबाउट मूविंग टू फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस, उनकी लाइफ वहां पर कैसी होती है. ओके आई सी अपने आप ये जो है कार्ड्स निकला है, मैन होल्डिंग हार्ट एंड देन आई सी टेम्पल एज वेल. ओके सो यहाँ पर जो है इस की में भी वी हैव अ हार्ट हेयर, राइट, वी हैव अ हार्ट हेयर, इट शोज दैट इमोशनल सेटिस्फैक्शन एज वेल, एंड हेयर वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट. सो आई रियली फील दैट दिस इज गोना बी, if you go to far away distant foreign places you will not come back to your homeland, it's like you settling down there only. at times hame hota hai na ki hum wahan par isliye ja rahe hain because hum education le rahe hain, chalo wahan par career ke liye ja rahe hain, but then we are going to come back, you're not going to come back, you're going to be like hey I just want to live there only because wahan par mujhe acha lagta hai, mujhe emotionally acha mehsoos hota hai, main zyada free feel karta hu ya karti hu, mujhe wahan restricted mehsoos nahi hota, mujhe meri freedom wahan par nazar aati hai aur main jo chahe wo kar sakta hu ya kar sakti hu, aur kahin na kahin mera man lagta hai, mera dil lagta hai us jagah par, to main apne homeland wapas nahi aana chahti, to kahin na kahin ye situation hoti hui yahan par nazar aa rahi hai. And of course, man holding a heart shows a romantic relation as well. But it can even show कि बस आपका वहाँ पर अच्छे से मन लग गया है, बस उधर ही मन है. Of course, homeland में जो आपके relatives हैं या फिर I should say friends हैं, आपकी family है, not relatives. relatives को इतना हम याद नहीं करते. But what I want to say is कि close family members जो हैं उनकी याद आपको ज़रूर आ सकते हैं. But still you're like hey, I'm good, I don't want to come back. So, उस तरह की यहाँ पर सिचुएशन जरूर नजर आ रही है. येस इन फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेज यू कैन मीट समवन एंड या यू काइंड ऑफ फॉर्म अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद देम दैट कैन हैपन हेयर एज वेल. आई सी द टेम्पल पाथ एज हेयर, आई मीन यू आर ऑल्सो सींग द टेम्पल पाथ, यू आर सींग दैट देर अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, देर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी, देर इज देर आर लाइट्स एज वेल, pillars here, stairs here, and I feel that this is the yin yang, but wo thoda cut ho gaya scenery mein. But yeah, what I see is that you feel at peace. You can even have Rahu and Ketu in the 4th and axis, specifically Rahu in the 4th house, Ketu in the 10th house. 4th house represents our home and Rahu is a malefic energy. So definitely we have such placement. Your mind will be disturbed if you stay in your homeland. Specifically, mind get disturbed when you are at home, in your homeland only. In such cases, yes, a person will move to far away distant foreign places and will find more peace of mind when they are in far away distant foreign places. मुझे ना सिर्फ एक ही जो है मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, एक थीम बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, वो यही है कि मुझे आजाद करो, मैं अब यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ. I want that freedom. I want to taste freedom.
और बहुत रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, होमलैंड में ऐसा नहीं कर सकते. ये कंप्लेन्स वाली एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर है. स्पिरिट भी यही मैसेज मुझे बार 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 दे रही है, दैट यू फील लैक ऑफ नरिशमेंट, पीस इन योर ओन होम, इन योर होमलैंड समहाउ. बट वेन यू गो टू फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेस, you feel good, all right? You feel good. You feel that, yes, this is where I belong. And yeah, it's like that. It's kind of like that situation for you. And again, we have the number 12 here. Number 12 represents the 12th house as well, or the sign of Pisces, which again, far away, foreign places ko show karte hai, overseas travel ko show karte hai. Aur 12th house ya sign of Pisces jo hai, spirituality ka bhi sign hai. And again, foreigners, foreign countries ka sign hai. So, आप वहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हो और एक अपने हायर पर्सपेक्टिव, नो आई शुड से हायर पर्पस से आप मिलते हुए नजर आ रहे हो. कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी ही तब आती है जब आप अपने घर से दूर होते हो, और अपने पर्पस को आप तभी जान पा रहे हो जब आप फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस में हो. तो ये भी चीज़ यहाँ पर थोड़ी नजर आ रही है. यहाँ पर और हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, फिर क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या और इंफॉर्मेशन पाइल नंबर 1 को प्रोवाइड करना चाहती है, समथिंग मोर. ओके, वी हैव द फाइनेंशियल हेल्थ हियर. तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा दैट बिकॉज पेनिकल्स की एनर्जी है, सेविंग्स, फाइनेंशियल फाइनेंसेस की बात है, तो कहीं ना कहीं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सेविंग करते हुए आए हैं आप, ये पेरेंट्स या आप खुद काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आप अपना मनी स्पेंड करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेव करना चाहते हो कि अगर आप फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाते हो तो ऑफकोर्स प्लेन टिकट्स और समथिंग मोर, यू नो, रेंट एट्सेट्रा. सो उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो. ये नहीं है कि हाँ मुझे जाना है और जाने के लिए कैपिटल है ही नहीं, जाने के लिए मनी है ही नहीं, ऐसा नहीं है. यू समहाउ ऑलरेडी प्लान्ड ऑल दीज थिंग्स, यू हैव समहाउ ऑलरेडी लुक्ड आफ्टर द फाइनेंसिस, ऑल द एक्सपेंडिचर एज वेल, यू हैव काइंड ऑफ कैलकुलेटेड दीज थिंग्स ऑलरेडी. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो सब चीज़ें आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ पर गाइडेंस ऑफ कॉर्स स्पिरिट की ही है कि यही ये चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. एक्सपेंडिचर, अर्निंग, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. बट आई रियली फील दैट यू हैव ऑलरेडी डन दैट. बट येस, वहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है पायल नंबर 1. वहाँ पर आप हार्डवर्किंग भी काफ़ी नज़र आ रहे हो. आप अपने होमलैंड में इतना हार्डवर्किंग नहीं हो जितना आप फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस में हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहे हो. ओके, ऑलरेडी वी हैव 2 मोर कार्ड्स हियर. सो वी हैव आंसर्स एंड वी हैव न्यू बिगिनिंग्स. ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, दिस इज गोइंग टू बी अ यू नो अ न्यू जर्नी फॉर यू, अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, वेयर यू आर गोइंग टू लर्न मेनी मेनी थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस मेनी थिंग्स in far away distant foreign places, and it's a restart of your life, of course. And then we have answers. So kahin na kahin kuch aise jo aapke man mein सवाल है, जिसको हम कहते हैं ना रेटोरिकल क्वेश्चंस है, जिसका कोई जवाब नहीं है, राइट? उन रेटोरिकल क्वेश्चंस को आप सिंपल क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके उनका आंसर जान पा रहे हो इन फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस. कहीं ना कहीं आपका एक माइंड जो है, एक जैसे एक तो है प्री प्रैक्टिकल माइंड है, और दूसरा आपका थोड़ा साइकोलॉजिकल या सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है. तो उसके अंदर जो सवाल थे उसका आंसर आपको फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस में मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा एस्पेक्ट ओपन हो रहा है वहाँ पर, जहाँ जिसकी वजह से आपको कुछ सवालों के जवाब मिल रहे हैं, जो मन में क्वेश्चंस थे उनके जवाब मिल रहे हैं. और जब वो आप जवाब पाते हो, आंसर्स आपको जब मिलते हैं वो, देन यू काइंड ऑफ ऑल्सो बिकम वाइज, यू काइंड ऑफ नो लाइफ, यू गेट टू नो द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ एज वेल. और जो कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है आपके, उसका भी आंसर आपको वहाँ पर मिलता है. जैसे आप फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाते हो, कुछ ना कुछ आप में एक्टिवेट होती है कोई चीज़, कुछ ऐसा एस्पेक्ट जिसकी वजह से आपके कई सारे
क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते हैं, तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है. पर यस, लाइक दिस इज अ रीस्टार्ट, दिस इज यू नो गोना बी योर न्यू बिगिनिंग इन लाइफ, एंड आई रियली फील दैट यू आर ट्राइंग टू गेट दिस न्यू बिगिनिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ. और फाइनली फाइनली ये चीज़ अब आपकी लाइफ में होने लगी, एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. यू आर एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग. या आई ऑल्सो फील दैट दिस रीस्टार्ट इज गोइंग टू ब्रिंग यू दैट फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी. एट द सेम टाइम इट्स गोइंग टू इमोशनली नरिश यू एज वेल. मे बी यू फाइंड योर सेल्फ इन फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेज. ऑफकोर्स यू गोइंग टू फाइंड लव इन फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेज. यू कैन फाइंड अ पर्सन जो आपकी कास्ट आपके कम्युनिटी के शायद ना हो, और वो भी आपकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, आपकी विजडम में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, आपकी नॉलेज में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. बट मोर सो आप अपने से एक रिलेशन यहाँ पर बनाते हैं नजर आ रहे हो. अपने आप को जानना कि मुझे अपनी लाइफ में चाहिए क्या, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको महसूस होगी, पता लगेगी. आप अपने हायर पर्पस से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हो. एंड आई ऑल्सो फील दैट लाइक यू गाइज कैन इवन हैव द नक्षत्रास लाइक पुनर्वासु. यू कैन हैव ओके लेट मी जस्ट टेल यू द प्लैनेटरी प्लेसमेंट. यू कैन इवन चेक इट इन योर बर्थ चार्ट. सो वेन एवर राहू एंड केतु आर इन द 14 एक्सेस और इन द 17 एक्सेस, इट मेक्स अ पर्सन गो टू फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेस. एंड इफ द असेंडेंट लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, and even the 10th lord or 7th lord is in the 7th house, 9th house, 12th house, it will make a person travel to distant faraway places when that planet's dasha will come. Then the planetary time cycle will come, then you are going to go abroad. And even the nakshatras like Punarvasu and Saravan, Ashwini, Revati, these nakshatras can even make you go to far away distant foreign places if you have your sun, moon or Atmakarka, planet holding the highest degree in your chart, or your ascendant lord in these nakshatras. So these nakshatras occurs in like Punarvasu occurs in Gemini also and in the sign of Cancer, and Saravan occurs in the sign of Capricorn, and Revati occurs in Pisces, and Ashwini occurs in Aries sign. Ashwini is the star of transportation, so that's there. And the signs which can make you travel to faraway distant foreign places are the sign of Sagittarius and even Pisces. So ye hai signs. All right, so I told you these things as well. And whenever the planet's planetary time cycle will run, the dashas will run, these planets and these signs or nakshatras are gonna make you travel to distant faraway places. And even the sign of Gemini can even make you travel, but sign of Gemini shows the short distance travel, not really long distance, but short distance travel. Or the third house shows short distance travel. Ninth house shows travel because of your education, higher education, or pilgrimage travel, or travel because of even career, travel because of getting to know the higher purpose of life. And Pisces itself is the sign of foreign, distant land, overseas travel. All right, but yeah, ye sari cheeze aapke chart mein ye placement zarur hongi, tabhi aap yahan par foreign, distant land jaate hue nazar aa rahe ho. But life in faraway, distant foreign places, it is going to be a brand new experience for you all. Pile number one, it's going to be a brand new experience, trying different things. And somehow I got this idea as well. I mean, not idea, I should say, I got this message from the spirit that somehow you're also trying different cuisines. You are trying different cuisines and you are very curious to eat different food somehow. Of course, you're going to love your native, in India, we cannot stay without chapati or rice, right? So of course, you're going to remember these things. You would say that I want to eat chapati, I cannot live without that. So that is going to be there. But you're also going to be very much open. Hey, I want to try this cuisine, I want to try that cuisine. So food, I feel that some of you guys are also very foodie. So that is also something which I'm getting. So yeah, it's going to be a completely new experience. Trying different things, feeling happy, feeling free. And yeah,
you guys are becoming too independent, too much of independence is given to you, and you're enjoying that. You're financially also very independent, financially also you're healthy, and spiritually also you're healthy here. You are spiritually very, very healthy. This answers card, you know, the picture here, it's like Osho Rajneesh. So these are the messages which I'm getting for you, file number one. And yes, that was it. This was the reading for you. Do let me know in the comment section what do you think about your reading and how it resonates. And yes, do like this video reading and please subscribe to this channel. As I always say, when you subscribe, I just get more motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye, be positive. Stay happy. Hello, pile number two. So this is your reading. You chose the plane here. And yes, let's just get started with your reading. But yes, just from the plane, I feel that you want to move abroad. You want to travel just for the sake of travel. I mean, I right now, I'm just getting this message from the spirit that you want to go to faraway, distant, foreign places because you just want to travel. It's not really much related to travel because of settlement, but yeah, that can also be the case. But right now I'm just getting the message that internally somehow you just want to travel to distant faraway place just because you're bored in your homeland, you want change of environment, and yeah, you want to travel, you want to travel for leisure, for pleasure. And yeah, this is something which I'm getting here. But let's get more information about your foreign distant land travel. यहाँ पर आप ओके यहाँ पर मुझे दो कार्ड दिखे हैं एक्चुअली नो बहुत सारे कार्ड हैं ये आई हैव टू शफल देम अगेन सो कई सारे आ गए थे चार पांच आ गए थे सो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस के लिए कि आप क्यों जा रहे हो अब्रॉड क्या सिचुएशन है जा भी पाओगे अब्रॉड या फिर नहीं येस और नो सम इंफॉर्मेशन हियर स्पिरिट यहाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं All right, so I see the Queen of Swords, then I see the King of Wands, and I feel that this card wants to come out, and then I see Four of Swords. Okay, there is this strong sense, first of all, there is this strong sense of travel. You really, really want to travel. You're like, hey, I cannot just stay here. I cannot live in my home anymore because, yeah, I just want to travel. You're also getting dreams of traveling. You are feeling that in your dreams you are visualizing somehow that hey, I'm traveling, I'm on plane. And in the end of the deck I see the star here. Of course the star shows that you're manifesting to travel, you're manifesting a place you want to go. And yeah, आई फील कि ये जो मैनिफेस्टेशन है आपकी ज़रूर सच तो होगी बट ये जो मैनिफेस्टेशन है ये एक जिद भी है कहीं ना कहीं कि मुझे जाना है मुझे जाना है मुझे जाना है इट्स लाइक दैट आई डोंट केयर हाउ मच मनी विल बी स्पेंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो आई जस्ट वॉन्ट टू गो इट्स लाइक दैट आई कैन नॉट जस्ट बी हेयर एनी मोर बी हेयर इन होम एट होम आई वॉन्ट टू मूव इट्स लाइक दैट एनर्जी एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स I feel that you need to have more practicality in your plan, first of all. Okay, you desire, all right? I feel that, of course, you desire to move to faraway, distant, foreign places, but you really need to have this practicality also, all right? Detail, orientation, practicality is very much important in your plan. And somehow you need to make more efforts in this department. Ki kitna money spent ho raha hai aur kahan se mujhe kya cheez book karni chahiye details mein jaane ki yahan par kafi zyada zarurat hai and with the queen of swords you know queen of swords is extremely independent person so you are not really planning to travel with the family you may say that I want to do a solo trip or I just want to go I don't want to travel with my family I want to go alone or maybe with people who are of my age only
तो कहीं ना कहीं आप बड़ा एक इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना चाहते हो. और अगर यू नो इफ यू लाइक विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई ऑल्सो फील दैट सम ऑफ यू फील कि जो आपके पास टैलेंट है उसकी आपके होमलैंड में कदर ही नहीं है, बट होमलैंड से बाहर जाकर उस चीज़ की कदर है, उस टैलेंट जो आपके अंदर है उस चीज़ की वैल्यू होमलैंड से बाहर निकलने के बाद बनेगी. यहाँ पर उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है. सो आई फील दैट दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर यू टू मूव टू फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेस. बट येस, you are extremely independent here. You're gonna take an independent decision. You're not gonna come in other people's talk. I mean, whatever other people are saying, you're not gonna think about that. You have your goal, all right. With the Queen of Swords, you have a goal in your life, and you wanna achieve it, and you will achieve it by hook or by crook. But yes, with the Four of Swords, there is a pause here. There is a pause. You were trying to, or you were planning to travel, but of course, due to COVID restrictions or these kind of things, your travel plan got delayed, got postponed. So, एक pause यहाँ पर Four of Swords show कर रहा है. कहीं ना कहीं again सपने देखना, एक सपने आना, dreams आना कि मैं far away, distant, foreign place पर हूँ. तो बहुत ही आपका मन ये चाहता है. And again in the end of the deck, जैसे star card आया ही हुआ है, जो कि manifestations को show कर रहा है, तो आप manifest कर रहे हो इस जगह को, आप manifest कर रहे हो कि आप यहाँ पर हो जाओ. आप ये manifestations आपके यहाँ पर जरूर नजर आ रही है, और कुछ आप में ऐसा talent जरूर है जो जिसकी वैल्यू आपके होमलैंड में नहीं है, बट होमलैंड से बाहर जाकर है. तो ये भी चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है. वेन इट कम्स टू कि कब ये ट्रैवल हो सकता है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बड़ी ही क्विक एनर्जी है, और वॉन्ड्स की भी एनर्जी क्विक एनर्जी में ही मानी जाएगी. तो अभी से 4 months बाद या फिर 4 weeks बाद भी ये चीज़ हो सकती है. 4 weeks या 4 months बाद जो है, आप एक सीरियस प्रैक्टिकल स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हो अबाउट फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेस, या फिर अभी से 4 months या 4 weeks बाद आप सच में प्लेन पर बैठ चुके हो, प्लेन में बैठ चुके हो, और प्लेन में बैठकर अब जा रहे हो. दैट सिचुएशन अभी से 4 months या फिर 4 weeks बाद आपकी आती हुई नजर आ रही है. और अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी एयर एनर्जी है. साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर, एयर इज ऑलवेज मूविंग. तो अगेन जो बातचीत है आपकी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी किसी से हो सकता है, किसी ट्रैवल एजेंसी से हो सकता है अभी कुछ ही टाइम में, और या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हो वो बात. और या लाइक अगेन इट्स मूवमेंट, सो you are gonna move here in far away distant foreign places. You will travel here very soon. ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है. कुछ और information यहाँ पर जो है spirit हमें दे for pile number 2. यहाँ पर और क्या messages है. Okay, I see the indecision. So somehow it can happen कि आपका मन दो जगहों पर अटका सा हुआ है. कहीं ना कहीं आपके मन में दो जगह है, that you want to travel to two places, but one at a time ही ये चीज़ हो सकती है. तो you are like here and there are two paths here and you have to choose कि कौन सा path ठीक रहेगा. यहाँ पर जो है you should take a path or you should choose a path, चूज अ डायरेक्शन जो थोड़ा प्रैक्टिकल हो. ऑल राइट, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी बड़ी प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी, एंड स्पेसिफिकली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स शोज प्रैक्टिकलिटी. तो जो भी प्रैक्टिकली चीज़ हो सकती है वो चीज़ जो है आप पिक करो, और जिस जगह आप इजिली जा सकते हो वो वाली जो है जगह पिक करो, वैसा एक डिसीजन लो. ये नहीं है कि अच्छा उस जगह जाना है, आपको एक और जगह पसंद है, आप उस जगह जाना चाहते हो, बट उसमें बहुत बहुत टाइम लगेगा, तो वो वाला डिसीजन नहीं लेना है. जो क्विकली चीज़ हो सकती है, जहाँ आप क्विकली पहुँच सकते हो, तो वो वाला डिसीजन आपको लेना बेटर रहेगा. क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स हमारे थॉट्स को भी शो करता है. तो आपको रातों की नींद जो है आपकी ख़त्म हो रखी है, ड्रीम्स यहाँ पर आ रहे हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और कि भाई मुझे फॉरेन डिस्टेंट जाना है, जाना है, जाना है, जाना है. तो आप जितना इसको डीले करते जाओगे उतना आप ओवरथिंक और भी ज़्यादा करते यहाँ पर नजर आ रहे हो. तो जहाँ पर इजीली आप पहुँच सकते हो, जहाँ पर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, वो वाला पाथ लेना अच्छा है. और जहाँ पर आपको लगता है कि अगेन बहुत टाइम लग सकता है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो गुड, बट फर्स्ट ये वाली जगह आप विजिट कराओ एक बार. तो इसकी यहाँ पर गाइडेंस आ रही है. और यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है स्पिरिट से,
और क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर टू के लिए. ओके आई फील दीज टू कार्ड्स वांट टू कम आउट. ऑलराइट आई सी हैप्पी फैमिली आई सी कम्युनिटी. सो अगेन जैसे यहाँ पर भी जो है सेम एज के ही लोग यहाँ नजर आ रहे हैं और मैं यही बात करी थी दैट यू मे नॉट रियली लाइक टू ट्रैवल विद फैमिली सम हाउ यू वुड लाइक टू ट्रैवल विद पीपल हु आर ऑफ योर एज ओनली हु हैव काइंड ऑफ अ सेम माइंड सेट और हु जस्ट यू नो सिंपली आर ऑफ योर एज एंड येस एंड विद द हैप्पी फैमिली आई फील दैट यू आर ऑल्सो प्लानिंग. Like some of you are already planning to settle abroad and yeah, some of you are actually planning to settle abroad and having a home there. You're planning for that. Some of you are definitely planning for abroad settlement with family or you may want to create this family there with someone. And yeah. This is going to be an overseas travel. And I feel जहां पर भी आप जाओगे वहां पर आपकी community already होगी. And we are Indians. Indians are everywhere. If you know something happens to the earth, वैसे तो ऐसा ना ही हो but if something happens then Indians and Chinese हम बचेंगे सिर्फ. So I feel that wherever you are going वहां पर already एक Indian community है. ऑलरेडी है अच्छी खासी कम्युनिटी है. और जब भी ऐसे ऐसी बात आती है तो सबसे पहले हम इंडियंस को कैनेडा ही याद आता है. सो सम ऑफ यू आर डेफिनेटली ट्राइंग और डेफिनेटली प्लानिंग टू ट्रैवल और प्लानिंग टू गो टू कैनेडा एंड आई फील दैट देयर इज योर कम्युनिटी मतलब बहुत एक लार्ज नंबर में. And some of your family members have already been there as well, or they are already settled there. So this is also something which I'm getting. But some of you are of course gonna travel because you want a foreign settlement. But some of you are also traveling for leisure, for pleasure. So that is also happening here. But कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं सच में जो अपनी फैमिली उधर सेटल कराना चाहते हैं जो फैमिली के साथ वहाँ सेटलमेंट चाहते हैं या फिर वहाँ पर एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर टू के लिए. कुछ और इन्फॉर्मेशन. ऑलराइट यहाँ पर तीन कार्ड आ गए हैं. फ्रीडम कंपैशन फॉरगिवनेस. सो फर्स्ट आई वांट टू कम टू दिस फ्रीडम फ्रीडम. सो आई फील पाइल नंबर टू यू मस्ट हैव बीन समहाउ कनेक्टेड टू और यू फेल्ट अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर वन एज वेल बिकॉज इन पाइल नंबर वन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द केज ओनली. आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इस केज की जो है चाबी ये पाइल नंबर वन के पास है. सो या यू शुड इफ यू हैव टाइम ऑफ कोर्स वॉच लिसन पाइल नंबर वन एज वेल बिकॉज दे आर गोइंग टू बी सम मैसेजेस फॉर यू ऑफ कोर्स इफ यू हैव टाइम. सो दिस ऑफ कोर्स फ्रीडम कार्ड शोज दैट यू फील रिस्ट्रिक्टेड. यू फील दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू इन योर होमलैंड. यू जस्ट वांट टू गो अवे. दैट कैन ऑल्सो बिकम अ रीजन फॉर योर स्लीपलेस नाइट्स. और कहीं ना कहीं आप I just got this message from the spirit that some of you are also taking sleep medicines or is taking sleep aajkal jaise usually hame amazon pe bada easily mil jata hai if I'm not wrong kya kehte hain usko like it's a tablet of sleeping pills hoti hai uska naam hota hai ek particular और जब हम वो खाते हैं तो एक दो घंटे बाद उसका असर आता है. उससे हमें नींद बहुत अच्छी आती है. तो आई थिंक सम ऑफ यू आर एक्चुअली टेकिंग दैट मेडिसिन एंड बिकॉज योर स्लीप इज डिस्टर्ब. योर स्लीप साइकिल इज डिस्टर्ब्ड. एंड आई ऑल्सो फील दैट वेन यू आर गोना ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेस वेन यू आर गोना मूव टू अ डिस्टेंट प्लेस जेट लैग आपको बहुत ज़्यादा होता है. सो दैट इज ऑल्सो देयर. बट या विद द फ्रीडम कार्ड ऑफकोर्स दिस इज अ स्ट्रेट अवे मैसेज दैट यू feel restricted in your homeland but when you are going to move to far away distant foreign places you're going to feel free. You're going to feel that I can do anything and everything. So wo cheez yahan nazar aa rahi hai. And with the compassion card here I see that
you should, you know, of course, you should be compassionate. You should be doing something for other people. You should sympathize with other people. I feel ki यही जो कंपैशन है इसकी वजह से आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हो इन फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस. कहीं ना कहीं वहां पर आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते नजर आ रहे हो. आपके ज्यादातर दोस्त हो सकते हैं कि आप ही की कम्युनिटी के हों बट वो दोस्त फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस में रहते हैं. तो ये चीज भी नजर आ रही है. यू विल गो टू फार अवे फॉरेन प्लेसेस फॉरेन लैंड्स बट आपके स्टिल इफ यू आर एन इंडियन तो आपके इंडियन दोस्त ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फॉरेन फ्रेंड्स. सो आई सी दैट एंड यू आर हैविंग अ स्ट्रांग सर्कल हेयर स्ट्रांग बैक हेयर. जो आप दोस्ती बना रहे हो वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप होती नजर आ रही है बनती हुई नजर आ रही है. लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप ये बनती हुई नजर आ रही है इन फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस बट विद द सेम कम्युनिटी विद द फॉरगिवनेस कार्ड. सो यू ऑल्सो नीड टू फॉरगिव सम पीपल और समथिंग अबाउट योर ओन सेल्फ. मे बी यू आर अशेम्ड ऑफ समथिंग. कहीं ना कहीं आप को ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी मैंने ऐसा क्यों कहा. तो दूसरों को छोड़ो पहले अपने आप को फॉरगिव करने की आपको यहाँ पर जरूरत है और उसके बाद दूसरे लोगों को फॉरगिव करने की जरूरत है. क्योंकि फॉरगिव और फॉरगेट नहीं करा है तो भी आप कहीं ना कहीं एक अपने लिए ब्लॉकेज बना रहे हो. तो यहाँ पर गाइडेंस है कि अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा जो आपको बहुत बुरा लगा तो उसको फॉरगिव करना जरूरी है. अगर आपसे जो है कुछ ऐसा हो गया जो मतलब दूसरे के लिए बहुत बुरा हो गया आपसे जाने अनजाने में बुरा हो गया फिर जान बूझ के आपने किसी का बुरा कर दिया तो वहां पर माफी मांग लेना जरूरी है. और गिल्ट में ना रहना ये भी जरूरी है क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस भी जो है जब एक इंसान होता है तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता और एक ब्लॉकेज बनती है ये चीज. तो अगर आपने ऐसा कुछ करा है या अगर किसी ने आपके साथ ऐसा करा है तो उसको फॉरगिव और फॉरगेट करना जरूरी है क्योंकि वो जो मेमोरी है उस चीज की वो एक ब्लॉकेज बन रही है आपके लिए. तो अगेन यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इसकी भी यहां पर गाइडेंस आ रही है. ऑल राइट सो दिस इज समथिंग व्हिच आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर टू. एंड या लाइक लेट मी टेल यू द प्लानेटरी पोजिशन प्लानेटरी प्लेसमेंट्स जिनको आप चेक कर सकते हो अपने चार्ट में अपने बर्थ चार्ट में. एंड इवन यू कैन चेक दिस इन द द्वारा दमशा चार्ट. द्वारा दमशा इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल डिविजनल चार्ट. मेनी एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो यूज दिस द्वारा दमशा एज द मेन बर्थ हॉरोस्कोप बिकॉज इट गिव्स ब्यूटिफुल प्रिडिक्शन. सो इफ राहु एंड केतु आर इन द 4-10 एक्सिस और द 1-7 एक्सिस इट विल मेक अ पर्सन गो टू फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस. एंड स्पेसिफिकली इन द 4-10 एक्सिस ऑफ राहु केतु स्पेसिफिकली राहु इन द 4th हाउस विल कॉज अ पर्सन मेंटल अप्स एंड डाउन्स मेंटल इंस्टेबिलिटी इन देयर होमलैंड बट व्हेन दे मूव टू फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस दे फील पीस ऑफ माइंड समहाउ. एंड इवन द साइंस लाइक जेमिनी लीब्रा सजिटेरियस Pisces, the houses like 3rd house, 7th house, 9th house, 12th house will make a person go to far away distant foreign places. But specifically the sign of Gemini and the sign of, or I should say sign of Gemini and the 3rd house shows short distance travel also. And if your ascendant lord, 4th lord, your 7th lord, 10th lord is in the 7th house, 9th house, 12th house, that will also make a person or make you go to far away distant foreign places when the planetary time cycle runs, when the dasha runs. Agar ascendant lord let's say 12th house mein hai and let's say this is a Virgo ascendant, so Virgo is ruled by Mercury. Mercury is the ascendant lord. If Mercury is placed in the 12th sign, in the 12th house in the sign of Leo, then also that person will go to far away distant foreign places, specifically in either sun dasha or Mercury dasha. So, yeah, you can check in the Vimshotri Dasha scheme ki ye planets kab activate ho rahe hai. So, you can check that. And even the nakshatras like Ashwini, because Ashwini is the nakshatra of transportation. Ashwini, Punarvasu and Saravan, Revati, these also can make a person travel to distant faraway place if you have your sun, moon, Atma Karika, planet holding the highest degree in your chart or your ascendant lord or Aruda is in these nakshatras.
then of course these are going to take you to faraway distant foreign places. And Ashwini occurs in sign of Aries, Punarvasu occurs in Gemini and also Cancer, and Revati occurs in Pisces. All right, so these are the planned replacements. You can check these things in your chart. It's not very difficult to check. All right, you can check it on your own. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. And yes, do let me know in the comment section what you think about your reading. And do like this video reading. Please subscribe to this channel, because when you subscribe, I get motivated, as I always say. So do subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading. You can book your reading on my website. I also do Nakshatra Kundli reading. You can book your reading from our website. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye, be positive. Stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this compass, or again the directions here, and yeah, let's just get started with your reading. I feel with the symbol itself, it's giving me the message that somehow you already have planned things. You have a really practical plan with you, that hey, I want to go there, I want to visit here, there. And maybe you have planned all these things since a very young age. You are a person who loves to travel as well, and you as a child must have watched cartoons related to travel, cartoons related to even being a pirate. Somehow I just got this message that some of you are interested into pirate movies or pirate cartoons somehow. And yeah, and some of you can even be very good when it comes to directions. That can even happen. But yeah, you have some definitely strong practical plans for your future about traveling. You would want to travel the world. You would say that I want to do world travel. I want to travel the world tour. And yeah, but yeah, you definitely will have some practical plan, at least for one place in your life. So yeah, that's there. Let me just get more information. Will you be able to go to, or will you be able to move abroad? Yahan par kya information hai? Yes, no. Some information here about travel. Aap travel kyu kar rahe ho? Kya ek emotional factor hai? I see the Emperor. Okay. I see that you feel that there are much better opportunities in faraway distant foreign place than in the homeland. So I saw this card as well. No, not this. I saw, okay, where is that card? Maine sare nikal diye. Let me just again pull the cards. Actually I saw one card, but wo wala card aaya hi nahi. Some more information here about travel. कि आप क्यों जा रहे हो, क्यों ट्रैवल करना चाहते हो. ओके, आई थिंक दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट. आई सी टू ऑफ पेंटिकल्स हियर एंड देन आई सी द स्टार कार्ड हियर. यू आर मैनिफेस्टिंग दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ. एंड इन द एंड ऑफ द डेक आई सी द टू ऑफ वांड्स हियर. सो अगेन, यू वर प्लानिंग दिस ट्रैवल. यू आर ट्राइंग टू प्लान थिंग्स आउट सिंस अगेन वेरी लॉन्ग. एंड या, I feel that this is a travel because of specific career only. That hey, career opportunity far away distant foreign places par zyada hai, yahan par nahi hai. Again, pentacles ka card yahan par aaya hua hai, jo ki strongly show karta hai ki jo aapke paas talent hai ya jo aapke paas skill hai, uska money aapko jo hai itna zyada nahi milta in your own homeland, and you're juggling and struggling with money as well right now. फाइनेंशियली आप थोड़ा यहाँ पर जगल और स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो, बट यू आर लाइक इसी वर्क के, इसी काम के मुझे फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेस में ज़्यादा मनी मिल सकता है, और इस वजह से मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. एंड सम ऑफ यू आर डेफिनेटली द पीपल हु आर वर्किंग इन MNCs, आर डूइंग कॉरपोरेट जॉब्स, एंड समहाउ यू फील दैट योर कंपनी कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू टू move to distant place. That can happen for
for you because of the company you're working for. But with the Emperor card, I also feel that you are much more capable. आपके पास वो सारी skills है, आपको boss होना चाहिए और yeah, people should be working under you because you know everything and people know nothing. Somehow you have this kind of energy inside of you. And of course, with the Two of Pentacles, you feel that जो भी झगड़ा और struggle है वो बाद में इन फ्यूचर नहीं होगा कि अगर आप अगर ट्रैवल कर लेते हो फॉरेन डेस्टिनेशन चले जाते हो तो आपकी सारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उस पर फुल स्टॉप लग सकता है. तो ये आप महसूस करते हो कि ऐसा होगा. एंड द स्टार कार्ड अगेन, आपकी विशेज और डिजायर्स जो आपको ऐसा लगता है कि वो फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस में जाके ही पूरी होगी, यहाँ पर होमलैंड में वो चीज़ पूरी होगी नहीं. कहीं ना कहीं बहुत मतलब आपके मन में ये चीज है कि मैं फ्लरिश कर ही नहीं सकता अपने होमलैंड पर होमलैंड में, क्योंकि बस यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, कंप्लेंट्स है आपको अपने होमलैंड से ही, यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, तो काफी कंप्लेंट्स यहाँ पर जरूर नजर आ रही है. एक फ्री आप एक फ्रीडम नहीं है जो आप चाहते हो, फ्रीडम ये चीज करने की वो चीज करने की, ऐसा आप सोचते हो कि फ्रीडम ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है. And even I feel because we have the Emperor card and Emperor represents, it is represented by Sun. Sun represents Emperor or King. And King lives in kingdom. Sabse bada kingdom, it's the government. So some of you are also, because Pentacles ka card hai, money related card hai, some of you are also saying that bahut tax dena padta hai. Taxation. It's too much. And there are some countries jahan par tax itna hai hi nahi hai, fir bilkul hi tax nahi hai. Tax free hai. So some of you are actually really complaining about these things as well. But mostly it's about के मैं बहुत capable हूँ, यहाँ पर मुझे मेरी capacity according या मेरी skill related इतना मुझे या तो काम नहीं मिल रहा है, और अगर काम मिल रहा है तो उसका इतना इतनी income नहीं है. तो ये complaints बहुत ज़्यादा हैं. Then I see door to personal healing and happiness. You feel that you moving to far away distant foreign places, it's going to be a door to personal healing and happiness for you. You feel that if you go there, there's going to be a lot of abundance for you and you're going to be again free like this bird. And I see lotus as well, I see water here. So overseas travel is going to be there and you feel ki जो जगह आपके मन में है, जिस जगह आप जाना चाहते हो, तो आप ये भी देखते हो कि वो जगह बड़ी साफ सुथरी सुंदर ये है और कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी अच्छी है, ये भी आपके है. आई फील दैट सम ऑफ यू कैन इवन डील विद सम साइनस इशू और ब्लॉक नोज और इवन एस्थमा रिलेटेड इशू. एंड यू फील दैट इफ यू मूव टू फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस आपकी हेल्थ भी बेटर हो जाएगी, वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा है. यू फील दिस एंड या यू फील कि वहां पर आप काफी हील्ड महसूस करोगे, खुश हैप्पी रहोगे, ये कहीं ना कहीं आपके मन में है. देन आई सी द डोर टू स्पिरिट. सो ऑफकोर्स यहाँ पर डोर्स ही नजर आ रहे, एक दरवाजा खुलना. आई फील के मे बी पास्ट में आपको ऐसा मिला हो कि फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस जाने के लिए आपको मौका मिला हो, बट कहीं ना कहीं वो आप मौका ले नहीं पाए, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड और मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स. और आप जैसे ही जाने लगे उस डोर की तरफ जो आपको अपनी एक खुशी की तरफ लेके जाने वाला था, हीलिंग की तरफ लेके जाने वाला था, वो दरवाजा बंद हो गया. बट यहाँ पर हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है. एक तरह से वो एक मैसेज होता है हमारे लिए कि अगर ये दरवाजा बंद हुआ है, यानी इससे एक बेटर अच्छा दरवाजा खुलने वाला है, एक अच्छी बेटर जगह के लिए खुलने वाला है. तो इस चीज को जरूर जो है अपने मन में रखना, ध्यान में रखना, जब भी कोई दरवाजा बंद हो उससे बेटर जो है दरवाजे भगवान आपके लिए खोल रहा है, इस चीज को जरूर जो है याद आपने रखना है. ऑलराइट, एंड आई ऑल्सो फील जस्ट लाइक मी, यू आर ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर. जैसे अभी कार्ड प्लेसमेंट के लिए ही आई वॉज लाइक कि मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ, राइट, इसको थोड़ा और सेट कर लूँ. तो सम ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो very particular that hey I want to do this, I want to do that, I don't want to do that, I want to do this only. You're very particular also. एक इस order में ये चीज होनी चाहिए, अगर इस order में ये चीज नहीं हुई तो फिर मुझे नहीं चाहिए ये चीज. It's like that. हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, 100% या तो 0%. जाऊंगा तो मैं उधर ही जाऊंगा वरना मैं इधर ही रहूंगा. It's like that. एक जिद वाली energy है यहां पर. But again always remember if one door closes,
some more doors open, will definitely open for you, and they are going to be much better than that one door which got closed. So remember this thing. So yahan par aur kya information hai, aapki wahan kaisi life hoti hai far away distant foreign place mein, kya yahan par information hai, guidance hai from the spirit. Somehow I'm also getting the message with the two of pentacles, that because two of pentacles juggle or struggle ko show karta hai, to kahin na kahin, like you have to really understand this thing ki wahan par sirf aap hoge, all right, aapko apna ghar, aapko apna food, आपको अपनी खुद की हैप्पीनेस, अपना वर्क, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा. और टू ऑफ पेंटिकल्स उसी जगल और स्ट्रगल को शो करता है, वर्क और प्ले के बैलेंस को बनाने की बात करता है. मतलब आपको वर्क और प्ले का बैलेंस बनाना पड़ेगा, एक रूटीन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रहना पड़ेगा इन फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस, बिकॉज वी हैव द एम्परर हियर. एम्परर इज वेरी प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन. So you have to have these qualities. If you want to move abroad, you have to develop these qualities. And of course, किसी को भी discipline में रहना पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद है. But if you want to achieve something in life, then कई बार क्या होता है, कड़वा घूंट पीना पड़ जाता है. So remember this again. But yes, अपने कपड़े धोना आना चाहिए, अपना खाना खुद बनाना आना चाहिए, अपने घर को कैसे मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें, इस चीज को भी आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए. सिर्फ इट्स जस्ट नॉट अबाउट ही आई वांट टू अचीव दैट, आई वांट टू अचीव दिस इन माय कॉर्पोरेट वर्ल्ड. नो, वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ घर की सेटलमेंट और अपना रहन सहन, अपने कपड़े, इन सब चीज़ों को भी आपको सेट करके चलने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में आपने इतना ज़्यादा शायद नहीं सोचा है. आपने सिर्फ ये सोचा कि हाँ, ये फाइनेंसेस ऐसे होने चाहिए, ये वर्क ऐसा होना चाहिए. तो ये छोटी बातें ही कल को जाके आगे बड़ी हो जाती है. तो इस चीज़ को याद रखो. ऑल राइट, मे बी वो जो फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस जाने का मौका आपके हाथ से इसीलिए जो है छूट गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपको आती नहीं है, या आपको इतना ज्यादा इन चीजों में एक्सपीरियंस नहीं है. तो ये चीजें माना थोड़ी छोटी है, बट यही फिर कल को सिरदर्दी देना शुरू कर देती है. तो इन चीजों पर ध्यान दो, ये चीजें सीखो, ये बहुत जरूरी है. ऑल राइट, सो सम मोर इन्फो. एंड आई ऑल्सो फील दैट सम ऑफ यू आर वेरी पैम्पर्ड. आई जस्ट गॉट दिस मैसेज दैट सम ऑफ यू आर वेरी पैम्पर्ड पाइल नंबर थ्री, कि या तो मदर या फिर कोई और मदरली फिगर आपकी लाइफ में आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, चाहे इट्स अबाउट फूड, क्लोथ्स, एनीथिंग, यू नो, यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर श्योर, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड वर्क वाइज एज वेल. ओके, टू कार्ड्स, ब्यूटी एंड एनिमल. ओके, सम ऑफ यू कैन इवन गेट अ पेट when you are in far away distant foreign places. Kahin na kahin you are like, ki, you know, I'm alone and having a pet will be a good decision, will help me emotionally. See, you are definitely emotionally dependent on someone. That's why you're like, hey, let me just get a pet. Otherwise, I'm gonna go insane here. I want someone. I really, really want someone. So, wo energies yahan par zaroor nazar aa rahi hai. So, yeah. That's there. And I also feel with the beauty card, you're gonna take care of yourself. Yes, you will. You will end up taking care of yourself really well. So have faith, have confidence as well. Yes, learn the small things. जैसे अपने कपड़े, अपना घर मैनेज कैसे करें, ऑर्गेनाइज करें, साफ कैसे करें, क्लीन कैसे रखें, इन चीज़ पर, ये चीज़ें सीख के जाना, और वहाँ जाके आप अच्छी सेटलमेंट कर लोगे. ये चीज़ नज़र आ रही है विद दिस ब्यूटी एंड दिस एनिमल कार्ड, बिकॉज यू बाइंग अ पेट फॉर योर सेल्फ, और यू गेटिंग अ पेट फॉर योर सेल्फ, दैट पेट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर, विल रिक्वायर फूड ऑन टाइम, एंड विल रिक्वायर योर लव एज वेल. You are going to be dependent on an animal and that animal is going to be dependent on you. So, वो चीज़, मतलब अगर आप जो हो एक
जो एनिमल होता है दैट्स अ लाइबिलिटी ऑल राइट, दे आर नॉट रियली एसेट्स. एसेट्स इस वे में हो सकता है कि हाँ वो आपको खुशी देते हैं और खुशी से आप और ज्यादा काम कर सकते हो और अर्न कर सकते हो. बट पेट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो आप वो तभी रख पाओगे जब आप खुद का ध्यान रख लोगे. तो यहाँ पर ब्यूटी कार्ड इज टेलिंग मी दैट यू आर गोना बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. You will be able to take care of yourself. Yes, शुरू में यहाँ थोड़ी जगल और स्ट्रगल जरूर नजर आ रही है, बट आप मैनेज कर लोगे और उसके बाद यू कैन इवन गेट अ पेट एंड यू आर गोना टेक केयर ऑफ दैट पेट एज वेल. यू आर गोना टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर गोना टेक केयर ऑफ योर पेट. एंड आई ऑल्सो एम गेटिंग दिस मैसेज दैट सम ऑफ यू कैन डील विद, और मे बी राइट नाउ सम ऑफ यू आर डीलिंग विद सम स्किन इश्यूज, स्पेसिफिकली एक्ने ऑन फेस और ऑन बॉडी और somehow some issues with skin. When you move to far away distant foreign places, you are going to see that your skin issues went away. It just vanished. Because jahan par bhi aap ja rahe ho, wahan par aap khush zyada rahoge. Juggle aur struggle hai, but manage kar loge cheeze, so don't worry. But wahan par aap khush zyada rahoge, healing yahan par zaroor nazar aa rahi hai. To chahe wo ek sach mein koi aapko physically koi takleef thi jisse aap guzar rahe the, jiske aap medication le rahe the, wo takleef hi khatam ho jayegi. Heal yahan par aap hote hue nazar aa rahe in far away distant foreign places. Emotionally, physically aap heal hote hue nazar aa rahe. To jo bhi aap mein matlab problems thi, एक हेल्थ इश्यूज थे, वो खत्म होते हुए इन फार वे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस नजर आ रहे हैं. एंड यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी इंडिपेंडेंट. यू आर नॉट डिपेंडेंट, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट. अगेन एम्परर इज देयर, एम्परर इज वेरी इंडिपेंडेंट, इज वेरी प्रैक्टिकल. द ओनली गाइडेंस इज दैट अपने जो मनी है, फाइनेंसेस है, ध्यान से स्पेंड करो ताकि आप इस फॉरेन ट्रैवल के लिए सेव कर सको. और मैनिफेस्टेशन पर जरूर ध्यान दो, ऑल राइट. और कोई भी अगर आपको लगता है कि ये जॉब फॉरेन में इतनी अच्छी नहीं है, बट बिकॉज यू हैव टू ऑफ वॉन्ट्स अ कार्ड आया हुआ इन द एंड ऑफ द डेक, तो रिमेंबर दिस थिंग कि कहीं से तो आपको शुरू करना ही पड़ेगा, ऑल राइट. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना, ऑल राइट. सो या ये आपके लिए मैसेजेस, ये आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 3 स्पिरिट से. एंड यस, दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 3. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर रीडिंग. एंड यस, वन मोर थिंग, लेट मी जस्ट टेल यू द प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स फॉर अब्रॉड ट्रैवल. यू कैन चेक दीज प्लैनेटरी प्लेसमेंट इन योर यू नो मेन बर्थ होरोस्कोप एंड इवन इन द द्वारदंश चार्ट. सो जो अगेन द्वारदंश चार्ट है, वो भी एक इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट है. काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स उस चार्ट को मेन बर्थ हॉरोस्कोप की तरह भी यूज़ करते हैं. दे रेफर टू द्वारदंश एज वी रेफर टू आवर मेन बर्थ हॉरोस्कोप. दे मेक द द्वारदंश एज द मेन बर्थ हॉरोस्कोप बिकॉज इट गिव्स ब्यूटिफुल प्रिडिक्शंस. सो द प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स आर इफ राहु एंड केतु आर इन द 4-10 एक्सिस और आर इन द 1-10, 1-7 एक्सिस, it will make a person go to far away distant foreign places. Specifically Rahu in the 4th house will cause disturbed peace of mind, disturbed sleep, lack of nourishment, and yeah, it, like these kind of things will happen to a person if Rahu is in the 4th house of homeland, of residence, of peace of mind. But that person is going to feel much better when they are far away from their homeland. They are going to feel normal, they are going to feel stable when they are far away from your home, from their homeland. So ye wali ek to planet replacement hai. And then if the ascendant lord or even ascendant lord, fourth lord, seventh lord, tenth lord are in the 7th house, 9th house, 12th हाउस, तब भी वो पर्सन फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेस जाएगा जब उस प्लैनेट की दशा आएगी. लेट्स से जैसे असेंडेंट लॉर्ड, आप यू आर अ लियो असेंडेंट, ऑल राइट. सो असेंडेंट लॉर्ड इज सन, लेट्स से सन इज सिटिंग इन द 12th हाउस इन द साइन ऑफ कैंसर, राइट. सो व्हेन मून दशा विल कम, मून अंतरदशा, महादशा, प्रति अंतरदशा, और सन महादशा, सन अंतरदशा और प्रति अंतरदशा इन विमशोत्री महादशा स्कीम, देन ऑफ कोर्स यू आर गोना ट्रैवल इन 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 दैट टाइम पीरियड. एंड इवन द साइंस लाइक जेमिनाई, लीब्रा, सजिटेरियस, पाइसिस, दीज साइंस कैन इवन टेक यू टू फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस. बट स्पेसिफिकली जेमिनाई और द 3rd हाउस आर रिलेटेड टू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल. सो
The third house, seventh house, ninth house, 12th house becomes important for travel. And the nakshatras like Ashwini. Ashwini is the star of transportation. So any graha in Ashwini, Punarvasu, Swati even. Swati is a wind rule nakshatra. So wind is always moving. It's always in movement. So Swati also. And Revati. These nakshatras can even take a person from their homeland to some distant faraway place. And but in case of Swati, what happens is that person takes a risk. They're going to take risk, but after analyzing and calculating only. But they are the risk takers. Swati are the Swati people are risk takers. So that's there. And जो ये नक्षत्रास हैं, जो आश्विनी है वो एरी साइन में होता है, पुनर्वासु जो है जेमिनी और कैंसर में होता है, जेमिनी से शुरू होता है, कैंसर में स्पिल करता है, और रेवती जो है हमारे पाइसी साइन में होता है, और स्वाति लीब्रा में होता है. सो ये वाले इन साइंस, इन नक्षत्रास में अगर आपके ग्राहस है, तब उन ग्राहस की जब दशा आती है तो उस टाइम पीरियड पर आप ट्रैवल जरूर करोगे, अगर आपके केस में, अगर आपके चार्ट में ये प्लेसमेंट्स हैं तो. सो इट्स वेरी इजी टू नो ऑल राइट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अ बर्थ चार्ट. और ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स देखो अगर आपके चार्ट में है, तो ऑफकोर्स योर डेस्टाइन टू मूव टू फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेस. यहाँ पर भी येस आर अबाउट यू मूविंग टू फार अवे डिस्टेंट फॉरन प्लेसेस. एंड आई ऑल्सो रियली फील दैट सम ऑफ योर टेंथ लॉर्ड इज गोइंग टू बी इन द नाइन्थ हाउस और इज गोइंग टू बी इन द ट्वेल्थ हाउस और इवन इन द थर्ड हाउस. बिकॉज यहाँ एम्परर है, टेंथ हाउस जो है हमारे करियर से रिलेटेड है, एम्परर भी करियर रिलेटेड कार्ड है. तो करियर की वजह से यहाँ पर आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, मनी की वजह से यहाँ पर आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do like this video reading and please subscribe to this channel, because whenever you subscribe, as I always say, I get more motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.